भैया भैया आज हम कक्षा नौ की चित्रकला की मेला में आपको कौन और रेखाओं के विषय में जानकारी देंगे। कृपया सभी ध्यान से सुने और समझें। हमारा शीर्षक है कौन तथा रेखाएं। हम पांचवी निर्णय के विषय में आपको बताएंगे, क्योंकि एक से और चार तक के निर्णय में का अभ्यास हमने कल करा लिया था, इसलिए निर्णय नंबर पांच बिंदु पे से दी हुई सरल रेखा एवे पर लंब की रचना की, जबकि बिंदु पे रेखा एवे के बाहर उसके मध्य के निकट स्थित है। तो देखिए सभी नियम है, तो समझ में आ गया होगा कि रेखा ए और बी, एक रेखा ए हमने खींची, अब इस पर बाहर मध्य की ओर पैर लोड दिया हुआ है। इस पैर बिंदु से ए पर एक लंब की रचना करना। इसके लिए हमने क्या किया कि इस पैर को केंद्र माना और प्रकार में पेंसिल को सेट किया और प्रकार की नोक को पैर बिंदु पर रख करके इस रेखा पर एक चाप लगाया। उचित दूरी लेकर के एक चाप लगाया जो इस रेखा को क्षय बिंदु पर काटता है। अब इस रेखा पर एवे रेखा पर क्षय और दय दो अभिष्ट बिंदु मिले, इन्हीं की सहायता से पड़ताल में उचित दूरी ली, अर्थात क्षय दय के आधे से अधिक दूरी ली और क्षय को केंद्र माना और एक नीचे की ओर चाप लगाया। अब प्रकार की नोट को क्षय से उठाकर के दय की तरफ रख दिया, दय पर रखा, दय बिंदु को केंद्र माना और इसी दूरी से एक दूसरा था जो पहले चाप को फैलने पर काटता है। अब हमें अभिष्ट बिंदु फै प्राप्त हो गया, फै और पैर को मिलाया, फै और पैर को मिला करके एक रेखा खींची जो ए और बे रेखा को ए और बे रेखा को मैं बिंदु पर काटता है। अब हमने पैर और मैं को मिलाकर के एक रेखा खींच ली, अर्थात पैर और मैं एवे रेखा पर अभिष्ट लंब होगा। इति सिद्धम। निर्णय नंबर छह, बिंदु पैर से दी हुई सरल रेखा एवे पर लंब की रचना कीजिए, जबकि बिंदु पे रेखा एवे के बाहर उसके एक सिरे के निकट स्थित है। अर्थात हमने ये एवे रेखा एवरेज
आगे किधर बिंदु पर वह वर्ष करते हैं। इस रेखा के निकट स्थित है। अब हमने पर्वत में उचित दूरी ली, पैदल को शायद किया और उचित दूरी लेकर के एक को केंद्र माना। पैदल की दूरी से एक चाप एवं रेखा के ऊपर नीचे लगाया। अब पर्वत की मत को उठा दिया और ऐसे उठा करके वह पर रख दिया। वह को केंद्र माना और पर्वत में दूरी पैदल की और एक दूसरा चाप लगाया जो एवे रेखा के नीचे की ओर है जो ऊपर काटा है। ये अर्थात पैर और फैर को मिला, पैर फैर को मिला जो एवे रेखा को मैं भी काटता है और पहले